डिस्ट्रिक्ट फंड ऑफिस पुंछ। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे पास गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला कि जो एनपीएस के एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने आप 7th पे कमीशन का एरियर जो उनका हमारे पास आया था, गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली हमने उनके अकाउंट यहाँ पे जीपीएफ ऑफिस में ओपन किए, तो उनमें उनका एरियर आया था। अब गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि उनको 50% जो है, जो उनका 50% पैसा है वो उनको रिटर्न करना है, दो इंस्टॉलमेंट में हमने उनको पैसा वापस करना है। तो अब हमने वाइडली पूरे डीडीओस को लेटर लिखा कि हमें आप अपने एम्प्लॉयज़ की डिटेल दे दीजिए विद स्टेटमेंट, और हमने एक फॉर्मेट निकाला उसके अकॉर्डिंगली हमें जो फॉर्मेलिटीज चाहिए थी हमने उनसे डिमांड की। अब मसला हमारे सामने ये आ रहा है कि बहुत जगह से हमें कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जितने जो भी डीडीओस हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, उनके जो क्लर्क्स हैं वो जब स्टेटमेंट्स वगैरह बनाते हैं, जो वो फाइल्स प्रिपेयर करते हैं एनपीएस एम्प्लॉयज़ की, तो वो उनको हमारे नाम से बोलते हैं कि जीपी फंड ऑफिस वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमसे पैसा डिमांड कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि एक एक केस का 1,000 रुपया दे दो। अब किसी के ऑफिस में 5 लोग हैं या 6 लोग हैं, तो वो उस हिसाब से उनसे पैसा ले रहे हैं और हमारे ऑफिस का नाम लेकर वो एम्प्लॉयज़ को बोल रहे हैं कि हमें फ़ंड ऑफिस वाले जो लोग हैं वो हमसे पैसा डिमांड कर रहे हैं, इसलिए आप हमें पैसा दे दो और हम आपकी फाइल्स जो हैं वो प्रिपेयर करके फ़ंड ऑफिस में पहुँचाते हैं। मेरा आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि मैं तमाम डीडीओस को और वो सारे जो एनपीएस के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, मैं उन तमाम को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे एक चवानी भी किसी से वसूल नहीं की जाती और ना ही हम यहाँ पे किसी को डिमांड करते हैं, और हमने यहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है। हमारे ऑफिस पूरे अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहा है। हम बिल्कुल उनको टॉप प्रायोरिटी के ऊपर उनके केसेस बना रहे हैं। हमने हर डीडीओ को सीरियल नंबर दिया, जिस हिसाब से उनकी फाइल्स आई हैं उस हिसाब से हमने उनको सीरियल नंबर अलॉट किए हैं, और सीरियल नंबर के हिसाब से हमारा पूरा काम हो रहा है। और अगर हमारे हमारे बिहा पे कोई डिले हो रहा है, तो डिले कुछ अकाउंट्स की प्रॉब्लम्स हैं, कुछ पैसा कुछ लोगों के अकाउंट में पैसा कम आया है, कुछ को ज़्यादा आया, तो हम वेरीफाई करके वो हम केसेस टाइमली हम वो निकाल रहे हैं। अभी तक हमारे हमारी जो प्रोग्रेस है वो हमने कम से कम 30-35 केसेस जो हैं अभी तक हमने निकाल दिए हुए हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ तमाम एनपीएस एम्प्लॉयज़ जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हैं कि आप किसी भी अपने क्लर्क अगर आपको ये बोलता है कि मुझे फ़ंड ऑफिस वाले पैसे मांग रहे हैं तो आप इतने पैसे दे दो तो मैं आपकी फ़ाइल तैयार करके वहाँ भेजता हूँ, लिहाजा हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं की जाती, आप अपने लेवल पे अपने क्लर्क्स के साथ हिसाब कर लें। दूसरी बात है, हमें कुछ ऑफिसेज़ की बाई नेम कंप्लेंट्स आई कि क्योंकि ये जो मैं आपको बता दूं कि एनपीएस के जो डिस्ट्रिक्ट पहुंच के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ये कहीं ना कहीं हमारे साथ पढ़े हुए हैं कॉलेज में या स्कूल लेवल पे, तो ये सारे हमारे नोइंग हैं क्योंकि हम भी इसी बैच से हैं, मैं ख़ुद भी एनपीएस में हूँ। तो वो किसी न किसी तरीके से हमें फ़ोन करते हैं कि जनाब आपके ऑफिस में पैसा मांगा गया या कुछ ऐसा वैसा हुआ, तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे ऑफिस में बिल्कुल भी किसी से कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा, या आपके क्लर्क्स जो हैं वो अपने लेवल पे, हमें 2-4 स्कूलों की कंप्लेंट्स आई कि वहाँ पे कुछ अपने नोइंग टीचर्स थे, उन्होंने हमें कहा कि जी हमारे क्लर्क बोल रहे हैं कि आप पैसा वहाँ पे डिमांड हो रहा है फंड ऑफिस में, तो हमारे ऑफिस में कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा है और ना ही किसी को कोई पैसा देना है। हम आपके केसेस बिल्कुल बिल्कुल जैसे आपके केसेस आ रहे हैं जो हमने सीरियल नंबर दिया हुआ है आपको, उस सीरियल नंबर के हिसाब से हम आपके केसेस बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। कुछ डीडीओज़ ने अभी तक आपने केसेस नहीं भेजे हैं, वो डिले हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें 6 मंथ के बाद, हमें टोटल 6 महीने का पीरियड है, तो ऑलरेडी एक एक 1.5 महीना गुजर गया हुआ है, तो लिहाजा उनसे भी हमारी गुजारिश है कि आप जल्दी जल्दी हमें अपनी एम्प्लॉयज़ की स्टेटमेंट्स वगैरह और जो हमने फॉर्मेट निकाला उसके अकॉर्डिंगली हमें फ़िल करके भेज दें, ताकि हम उनकी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है उनके अकाउंट में डाल दें। तो मेरा यही था मीडिया के मदद से तमाम एनपीएस एम्प्लॉयज़ को एक मैसेज पहुंचाना था कि हमारे बिहाफ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, लिहाजा आप अपने क्लर्क से ये पूछें कि कौन मांग रहा है। अगर मेरे ऑफिस से कोई बंदा आपसे पैसा डिमांड कर रहा है, आप उसका नाम, आप मेरे ऑफिस में कभी भी आ सकते हैं, आप मुझे बताएं कि मेरे ऑफिस में किस आदमी ने आपसे पैसा डिमांड किया है, तो हम उसके खिलाफ़ एक्शन लेंगे, स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे। तो बस मेरा यही था कि मैं आप लोगों को ये मैसेज दे दूं। बाकी मीडिया के हमारे जो मीडिया पुंछ मीडिया है, ये इनकी मदद से हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम इनके भी शुक्रगुजार हैं। चलो।